नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं GTL इंफ्राट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो GTL इंफ्राट्रक्चर पर लगातार जो क्लोजिंग है दोस्तों, एक ही प्राइस और पिछले टाइम से देखने को नजर आ रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या होने वाली है, साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम कंपनी का जो क्वार्टर टू रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिलने वाला है, साथ ही आप लोग को ये भी बताने वाला कि इसके जो टारगेट्स है वो क्या होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑलरेडी मार्केट में बड़ी जंप के बाद वापस लोअर सर्किट रहने वाला है। बंप और डंप के साथ मार्केट अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा है उतार चढ़ाव पर देखने को नजर आ रहा है। तो कल की मार्केट को लेकर क्या चार्ट एनालिसिस होने वाली है वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों अगर प्राइस की बात की जाए तो 95 पैसे प्राइस की जो क्लोजिंग प्राइस है वो आज की मार्केट की रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम देखा जाए तो दोस्तों पिछले 5 ट्रेड देखने को नजर आए, उसमें जो फंडामेंटल रहने वाला है वो भी काफ़ी पॉजिटिव था, पर अभी के टाइम देखा जाए तो वापस जो है नेगेटिव फंडामेंटल नजर आ रहा है। क्योंकि पिछले 5 ट्रेड देखने को नजर आए उसमें 9.52% की दोस्तों मार्केट पर बड़ी गिरावट रहने वाली है। रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो 9.5% मार्केट गिरा हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी के टाइम देखा जाए तो शेयर होल्डर्स इस बीच भी गलती बड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ। सबसे पहले कंपनी का अगर मार्केट कैप देखा जाए तो 1217 करोड़ का मार्केट कैप रहने वाला है, पर उसके पीछे अगर देखा जाए तो बुक वैल्यू 3.58 रुपये की जो नेगेटिव रहने वाली है। पर अभी के टाइम देखा जाए तो कंपनी का जो कर्ज है दोस्तों 4508 करोड़ वाला रहने वाला है। कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का ज़्यादा कर्ज जो है वहीं पे उतार चढ़ाव देखने को नजर नहीं आया, पर जो सेम जो कर्ज है वो 4508 करोड़ का रहने वाला है। उसी के साथ साथ अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो कंपनी के ऊपर दोस्तों जो सेल्स की ग्रोथ है उसमें काफ़ी अच्छा सुधार ऑलरेडी देखने को नजर आया। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि पिछले टाइम 6.19% की जो सेल्स की ग्रोथ नेगेटिव जो नजर आ रही थी वो आज देखा जाए तो दोस्तों 0.76% जो है रिकवर ऑलरेडी हो चुकी है। बाकी अगर देखा जाए तो सेल्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी ऑलरेडी रिकवर हो चुकी है। ROC की अगर बात की जाए तो वो 11% नेगेटिव रहने वाली है, जो पिछले टाइम दोस्तों 20 से 25% नेगेटिव रहने वाली थी, जो ROC आज वापस अगर देखा जाए तो 11% पर आंकड़े सुधार देखने को नजर आए। EPS रेट की अगर बात की जाए तो 3 रुपये तक जो EPS रेट नेगेटिव जा चुकी थी वो आज देखा जाए तो 1.30 रुपये पर नेगेटिव रहने वाली है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा सुधार नजर आया। प्रॉफिट की ग्रोथ अगर देखा जाए तो उसमें काफ़ी अच्छा सुधार रहने वाला, पर अभी भी दोस्तों नेगेटिव रहने वाली है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो दोस्तों कंपनी में सबसे बड़ी जो नेगेटिव जो सबसे बड़ा जो डेटा नजर आ रहा है वो मेरे को दोस्तों ओनली ऑन दो डेटा नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो जो कंपनी के 100% शेयर जो है वो यहाँ पे गिरवी रखे हुए हैं, और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे नेक के बराबर नजर आ रही है। अगर दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग चलेगी कोई बात नहीं, पर दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के जो 100% जो शेयर है वो यहाँ पे गिरवी रखे हुए हैं, और छोटी सी जो एक और बड़ी जो दिक्कत है वो यहाँ पे कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो 4508 करोड़ का रहने वाला है। दोस्तों मैंने आप लोग को पिछले टाइम भी बताया था कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज का जो फंडामेंटल इस प्रकार की इस वजह से गिरा, वो आप लोग बताऊं कि कंपनी जो पिछले टाइम जो एयरसेल टेलीकॉम कंपनी थी उसकी कंपनी दोस्तों जो है 14,000, जी हाँ दोस्तों कुछ छोटे मोटे हैं, 14,000 टावर कंपनी ने दोस्तों लगाए थे। उसके बाद दोस्तों कंपनी ने उस चीज़ का जो है पेमेंट जो है वो अभी तक यहाँ पे पे आउट नहीं किया, और कंपनी जो है मार्केट से अनसोल्ड हो चुकी है, यानी कि टोटल जो है क्लोज हो चुकी है। तो यही बड़ी वजह रहने वाली है GTL इंफ्राट्रक्चर की, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो इतना बड़ा दोस्तों मेंटेनेंस का जो है वो काफी बड़ा है, और इतना जो खर्च है वो इसी प्रकार बकाया रह गया, तो इसी के चलते मार्केट में गिरावट रहने वाली है। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो क्वार्टर टू के टारगेट्स की बात की जाए तो क्वार्टर टू के जो टारगेट हैं वो काफ़ी अच्छे बनने के जो चांसेज हैं वो रह सकते हैं। रीज़न ये रहने वाले कि कंपनी के पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट अगर देखे जाए तो उसमें सेल्स की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई देखने को नजर आई है। साथ ही साथ दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के जो सुधार हैं जो खर्च हैं वो काफ़ी कम होते हुए देखने को नजर आए हैं। सीधे सीधे अगर देखा जाए तो दोस्तों पिछले क्वार्टर की बात की जाए, पिछले 2 क्वार्टर के डेटा अगर हम कलेक्ट करें तो 378 करोड़ की सेल रही जिसमें 242 करोड़ के खर्च हुए। उसी अगले क्वार्टर की बात की जाए तो 353 करोड़ की सेल हुई जिसमें देखा जाए 216 करोड़ की खर्च हुए। तो खर्च अगर कंपनी मेंटेन करती है तो काफ़ी अच्छा जो है कंपनी अपना फंडामेंटल बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। रही बात दोस्तों क्वार्टर टू के रिजल्ट की आने की, दोस्तों कंपनी ने अभी तक जो है सेबी को जो सर्कुलर नोटिफिकेशन जो जारी करना था वो अभी तक भी यहाँ पे जारी नहीं किया है। तो मेरी उम्मीद यह है कि कंपनी दोस्तों इस नेक्स्ट वीक में शायद जल्दी यहाँ पे अपना सर्कुलर नोटिफिकेशन सेबी को जारी कर दे, बोर्ड मीटिंग यहाँ पे फाइनल कर दे, तो रिजल्ट दोस्तों जल्दी यहाँ पे देखने को नजर आ सकता है। टारगेट्स अगर देखा जाए तो दोस्तों टारगेट्स काफ़ी अच्छे 1.10 रुपये से लेकर 1.30 रुपये तक यहाँ पे जा सकते हैं। अभी टाइम देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो जो कंपनी जो 100% जो शेयर गिरवी रखे हुए हैं, यही सबसे बड़ी दो नेगेटिव डेटा सामने निकल के आ सकता है। वर्तमान में अगर यहाँ पे देखा जाए तो लास्ट 1 ईयर का डेटा अगर देखा जाए तो कंपनी की जो सेल है वो 1458 करोड़ की मार्च 2023 तक यहाँ पे जो 1 ईयर का डेटा जो कलेक्ट हुआ था उसमें देखने को नजर आई। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 1450 करोड़ का जो है अभी टाइम कंपनी सेल करती हुई नजर आ रही है, पर कंपनी की जो एक बार फिर से जो खर्च है वो बढ़ते हुए नजर आई है लास्ट 1 ईयर के ऊपर, तो ये थोड़ा सा डेटा नेगेटिव जा सकता है। पर अभी
टाइम कंपनी के ऊपर जो कर्ज है, जो खर्च है वो लास्ट वन ईयर में 1640 करोड़ का हुआ है। तो बिग टाइम थोड़ा सा जो है डेटा रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल दोस्तों आपकी नज़र में इस शेयर की और कोई भी जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एंसर्स करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।